चलिए अब फिर से रुक कर लेते हैं खबरों का। तो अब बात होगी सीएम पुष्कर सिंह धामी की। आज वो मुजफ्फरनगर आ रहे हैं और यहाँ शहीद स्मारक पर उनके पहुंचने का मामला है, खबर है। लेकिन इससे पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें मिल रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट से देख रहे हैं, जहां हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम आपको यही बता रहे थे कि लगातार तस्वीरें आ रही हैं। एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, झुककर प्रणाम करते हुए और अब परिक्रमा लगाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बापू की जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और राजघाट की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। सभा का आयोजन है जहां बापू के प्रिय भजनों को गाया जा रहा है, गुनगुनाया जा रहा है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए दिग्गज नेताओं का आना जाना लगा है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, श्रद्धांजलि वो अर्पित कर चुके हैं, परिक्रमा लगा चुके हैं और अब हाथ जोड़ के आगे बढ़ते हुए तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए तो बापू की जयंती के मौके पर एक सभा का आयोजन राजघाट की। सीधी तस्वीरें आपके सामने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिया है। उनका काफिला आगे बढ़ चुका है और लगातार तस्वीरें आ रही हैं। ओम बिरला नजर आ रहे हैं, इन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और हाथ जोड़कर बापू को याद करते हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी आप देख सकते हैं। आज दिग्गज नेताओं को भी क्या आम क्या खास, बापू हर किसी के प्यारे थे और यही वजह है कि ये बेहद खास तस्वीरें हैं, राजघाट से आई हैं। और जया, हम लोगों को भी याद है कि स्कूल टाइम से ही इस दिन को श्रमदान के तौर पे या फिर किसी ना किसी बापू की सीख पर चलने की, राह को देखने की सीख जरूर दी जाती थी। बिल्कुल, और बापू के विचार कितने प्रासंगिक है। हर साल हम जब भी जयंती होती है तो ये बातें भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विचार, चाहे जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। महात्मा गांधी कहते थे कि एक भी व्यक्ति अगर छूट जाता है तो सरकार सफल नहीं है सत्ता चलाने में। इसके साथ ही गरीबों की जब वो बातें करते थे तो कहते थे कि जो परेशानी झेलता है, खासतौर पर उन वर्गों के लिए जो मैला ढोने का काम करते हैं या सफाई कर्मचारी हैं। और स्नेहा, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धुले थे और एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। बिल्कुल, इसको जोड़कर देखा गया कि महात्मा गांधी के जो विचार थे उन विचारों से सरकार प्रेरित हुई और इसके बाद हम उन तबकों के लिए भी काम देख रहे हैं जो अपने आप को समाज से बाहर या सबसे अंतिम पायदान पर पाते हैं। बिल्कुल, और बापू के विचार थे ऐसे कि सफाई को लेकर के कोई बड़ा या छोटा नहीं है। जहाँ कहीं भी अगर स्वच्छता की बात आती है तो बढ़ चढ़ करके आगे आना है, पद नहीं देखना है, पदवी नहीं देखना है। खुद कस्तूरबा गांधी के साथ कहते हैं कि वो अपने जीवन में कहीं पर भी गंदगी देखते थे उसे साफ करने में गुरेज नहीं करते थे। और उनकी ये जो सीख है आज के दिन तो खास तौर पे याद की जाती है। हालांकि वो जीवन का हिस्सा है, जीवन का अभिन्न अंग हो इसके लिए ही प्रयासरत रहते हैं सभी, लेकिन आज उन्हें याद करने की, स्मृति की ये जो बेहद खास तस्वीरें हैं, पारंपरिक तस्वीरें भी कह सकते हैं, हर साल ऐसा होता है। लेकिन एक थीम जो लेकर के आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के मौके पर, आज वो थीम जल से जुड़ी हुई नजर आ रही है, जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी नजर आ रही है। क्योंकि ये नया सृजित मंत्रालय सिर्फ मंत्रालय नहीं है बल्कि पानी और जल ही जीवन है, ये क्यों कहा गया है, इसे बापू के विचारों के साथ जोड़ करके वो सामने रखेंगे। वो दिलचस्प होगा देखना जब वो 11 बजे संबोधित करेंगे। जया, खुद बताएंगे कि किस तरीके से आज हमारे जीवन में स्वच्छता और जल की उपलब्धता दोनों की इतना जरूरी है। क्योंकि कई जगहों पर हम ये स्थिति देख रहे हैं कि पानी
भूजल जो है वो खत्म होते जा रहा है और ऐसे में हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम पानी कैसे बचाएं। इसके लिए अलग अलग तरीके भी लोगों को बताए गए कि आप अगर बरसात का पानी है तो आप उसे भी स्टोर कर सकते हैं। घर में जब आप सब्जी धुलते हैं या कोई भी काम करते हैं, कपड़ा धुलते हैं, तो वो पानी आप स्टोर कर सकते हैं, उसका कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो औरों का आरों का जो वेस्ट वाटर होता है जब प्यूरिफाई होता है, उस वाटर को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों से सरकार ने बताने की कोशिश की कि आप जल को कैसे संचय कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। और इसी कड़ी में आज का जो कार्यक्रम है वो बेहद खास रहेगा। देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या टिप्स देते हैं लोगों को, कैसे वो भू जल को बचाए अपने घर के जल को। सबसे अहम बात ये होगा जया कि किस तरीके से बापू के जीवन से जोड़ के इस पूरे मिशन को वो दिखाते हैं ताकि देशवासी उसे फॉलो करें, उसे माने। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजघाट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि बापू को अर्पित की है और अब वहां से निकलते हुए। और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे, आज मुजफ्फरनगर आएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। जानकारी मिल रही है इस बात की, उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। 6 आंदोलनकारी पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। 1994 में उत्तराखंड की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर गोली चली थी। उत्तराखंड के निर्माण की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे थे आंदोलनकारी और उसी वक्त उन पर फायरिंग की गई थी। 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, 1994 का ये मामला है। उत्तराखंड की मांग कर रहे थे ये आंदोलनकारी और उसी वक्त जब दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे तो उन पर फायरिंग की गई और उसमें उनकी शहादत हुई। तो बिल्कुल, सीएम पुष्कर सिंह धामी रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों की 27वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ आंदोलनकारियों के परिजन और कई मंत्री भी शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं इस कार्यक्रम से एक दिन पहले उत्तराखंड की निवासी महिलाओं ने हजारों दिए जलाकर शहीद स्मारक को रोशनी से चमका दिया, जगमगा दिया। पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल 2 अक्टूबर 1994 का दिन मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड के अध्याय का काला दिन साबित हुआ था, जिसमें शांतिपूर्वक यानी शांति से अलग राज्य की मांग कर रहे आंदोलनरत लोगों पर बर्बरता की गई थी। इस आंदोलन में 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और आज उनकी 27वीं बरसी है, जबकि दर्जनों पुरुष महिलाएं इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए थे। आज उन्हीं को याद किया जा रहा है। विभाग की ओर से की जाती है, कल्चर डिपार्टमेंट की संपत्ति है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इसमें मैं कोई जिम्मेदारी नहीं, तैयारी तो मैं कर रहे हो और यहाँ पूर्ण तैयारी होगी। प्रशासन बड़ा मुस्तैद हो रहा है, अभी अभी आपके सामने वो मेरे घूम रहे थे सुरक्षाकर्मी कुत्ते लेकर सुरक्षा की दृष्टि से, और हम लोगों ने आज 1 अक्टूबर की काली रात में जो दुर्घटना घटी थी उसकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 505 दीपक जलाने का हमने आज कार्यक्रम किया। वहीं माउंट त्रिशूल की चोटी को फतह करने गए 5 जवान और 1 शेरपा लापता है। नौसेना का 20 सदस्यीय दल माउंट त्रिशूल के लिए एक अभियान पर गया था। इस अभियान दल से कैंप 3 से आरोहण के लिए 10 सदस्यों और शेरपाओं का दल रवाना हुआ था, मगर इसी दौरान एक एवलॉन्च आ गया और इसके बाद 5 जवान और 1 शेरपा लापता हो गए। घटना की जानकारी के बाद रेस्क्यू टीम और सर्च टीम को माउंट त्रिशूल के लिए रवाना किया गया है। माउंट त्रिशूल 3 चोटियों का समूह है और इसी कारण इसे त्रिशूल कहते हैं। तो अब तलाश की जा रही है, ये तस्वीरें देखिए, उस वक्त की तस्वीर है जब टीम जवानों की तलाश पर निकली। तो मौसम खराब होने की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत भी आ रही है, कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन सभी को ढूंढ निकाला जाए, लेकिन दिक्कत इस बात से हो रही है क्योंकि मौसम बेहद खराब है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बाबा केदार की आराधना करेंगे। पीएम का दौरा कंफर्म होते ही तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा जौलीग्रांट एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल का भी लोकार्पण होना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट का भी स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं।
और अब खबर पौड़ी से है, जहां पीठ सेंड दौरे पर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 3 करोड़ की लागत से बनी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मारक का भी उद्घाटन किया, साथ ही उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का देश हित में दिया गया योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर में 2 अक्टूबर को दौरा है, जिसे लेकर पार्टी संगठन और प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी रुद्रपुर के गांधी मैदान में 91 फीट ऊंचा तिरंगा भी लगाया गया है। इसके साथ सीएम धामी 1 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं, शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी है और आज 2 महापुरुषों की जयंती है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री। तो अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दे चुके हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सामने बैठे लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज यानी 2 अक्टूबर 2 महापुरुषों की जयंती, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं और वो अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, राजघाट की ये तस्वीरें हैं। बताएं आपको कि समाधि स्थल महात्मा गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री का, जहां से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर पीएम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विजय घाट की ये तस्वीरें अब इस वक्त आप देख रहे हैं, विजय घाट की तस्वीरें। तो यहाँ पर पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया है प्रधानमंत्री ने, राजघाट पहुंचकर पहले ही पुष्प अर्पित कर चुके हैं, श्रद्धा सुमन दे चुके हैं और विजय घाट पहुंचकर भी पूर्व पीएम को याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें आ चुकी हैं, यानी श्रद्धांजलि वो दे चुके हैं। तो आज के दिन की ये अहम कार्यक्रमों में अगर देखा जाए ये दोनों तस्वीरें, इसके साथ ही आज इन दोनों महापुरुषों को याद करेंगे, इनसे इनके जीवन से जुड़े कामों को याद करेंगे। खास कार्यक्रम रखा गया है 11 बजे के करीब, तमाम लोगों से संवाद भी स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन औपचारिक तौर पर जो हर साल हम तस्वीरें देखते हैं, तो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि राजघाट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी, विजय घाट की तस्वीरें लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देते हुए आप देख सकते हैं। और इन दोनों तस्वीरों के जरिए ये साफ है कि आज के दिन की शुरुआत इन दो महापुरुषों को याद करने के साथ हो चुकी है और यही क्रम रहेगा। आज के दिन इन दोनों महापुरुषों को याद करना और श्रद्धांजलि अर्पित करते तमाम दिग्गज नेता आपको पूरे दिन दिखाई देंगे। हालांकि सुबह की तस्वीरें हैं और आज के दिन की शुरुआत ही इन दोनों महापुरुषों को याद करने के साथ हो चुकी है। अब आगे किस तरीके के कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से इन्हें याद किया जाएगा, इस पर भी हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। तो लगातार आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया है। इसके बाद दिन भर आज राजघाट पर जो तस्वीरें रहेंगी वो कुछ इसी तरीके की रहेंगी, एक एक करके राजनेता वहां पर पहुंचेंगे, महात्मा गांधी को याद करेंगे।
और चलिए अब आपको उत्तराखंड की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। भीमताल विधानसभा में खस्ताहाल पड़ी सड़कों को लेकर पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने मोर्चा खोल दिया है। दान सिंह ने ग्रामीणों के साथ पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। लक्सर में कोविजेंस कर्मचारी और कोविजेंस प्रशासन के बीच एग्रीमेंट को लेकर मामला गर्मा गया है। कंपनी प्रबंधन के रवैये से नाराज कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों की मांग है कि जब तक कंपनी प्रबंधन के 11,000 में त्रिवर्षीय समझौता एग्रीमेंट नहीं करेगा तब तक भूख हड़ताल चलती रहेगी। और आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद राजा जी टाइगर रिजर्व को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। इस साल पार्क को नवंबर महीने में खोला जाता है अमूमन, मगर कोरोना के कारण पिछले 2 साल से पार्क को बंद ही रखा गया था, इसीलिए प्रशासन ने 1.5 महीने पहले ही पार्क को खुलवा दिया। टिहरी में खुशियों की सवारी, एम्बुलेंस एक बार फिर से सवालों में है। जच्चा बच्चा को अस्पताल ले जाने के लिए 22 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन में एडमिट महिला के नवजात बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद एम्बुलेंस को फोन किया गया, मगर एम्बुलेंस 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। उत्तराखंड में सरकारी धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो चुकी है। इस मौके पर डीएम ने खटीमा में धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम के निर्देश ये हैं कि सरकारी समर्थन मूल्य पर ही धान की खरीद होनी चाहिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या खास रहने वाला है। शुरुआत उत्तर प्रदेश से, लखनऊ की बात करेंगे। आज मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल 1.5 लाख मेधावी छात्रों को लगभग 1.77 करोड़ की छात्रवृत्ति बांटी जाएगी। ये बड़ा अमाउंट है और सीधे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाएगा ये स्कॉलरशिप। इसके अलावा लखनऊ से ही खबर रहेगी, जहां बीजेपी आज स्वच्छता अभियान चलाने वाली है। सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत ये अभियान चलेगा, जिसमें बीजेपी के विधायक और सरकार के मंत्री स्वच्छता के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस अभियान से जुड़ेंगे। इसके अलावा और उत्तर प्रदेश में क्या खास चल रहा है, तो महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आज सीबीआई जांच जारी रहेगी। आज सीबीआई उस गाड़ी की जांच कर सकती है जिसका जुलाई में एक्सीडेंट हुआ था। सीबीआई आज नरेंद्र गिरी के सेवादारों पर भी शिकंजा कस सकती है और आज 2 महिलाओं से भी पूछताछ की जा सकती है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में क्या खास है। तो सबसे पहले सीएम का कार्यक्रम आपको बताएं, आज मुजफ्फरनगर आएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धा सुमन वो अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि 6 आंदोलनकारी पुलिस फायरिंग में शहीद हुए थे। 1994 में उत्तराखंड की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई थी। उत्तराखंड के निर्माण की मांग को लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे आंदोलनकारी और उसी वक्त उन पर फायरिंग की गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर का भी दौरा करेंगे। आज दोपहर रुद्रपुर पहुंचेंगे सीएम और इसके बाद गांधी मैदान में 191 फीट तिरंगा झंडे का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम के साथ केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे।